दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक बच्चे ने मेरे पास वीडियो भेजी है कि सर इसको यूट्यूब में आप जरूर डालिए, तो उस वीडियो को यदि आपको देखकर लगता है वो बात सच बोल रहा है तो आप उसका कमेंट जरूर इसमें कीजिए वीडियो के अंत में। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखते रहना है क्योंकि उस बच्चे की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर इस वीडियो को अपलोड कर दीजिए, ये सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। तो मैं इसीलिए उस वीडियो को आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है अनूप सिंह। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आप JVJVNL का पेपर दिया है दोस्तों, उसकी वीडियो बात में कितना सच है ये आप जरूर बताइए दोस्तों मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू भाई। उसकी वीडियो को आगे देखें, अब वो बोलेगा दोस्तों इसके बाद, मैं नहीं हूँ दोस्तों अब। थैंक यू। आज हम हेल्पर सेकंड के बारे में बातचीत करेंगे, जो ये बिजली विभाग का एग्जाम हुआ था दोस्तों। ये एग्जाम 5 या 6 दिन लगातार चला हुआ था और 3-3 शिफ्टों में इनका एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों किसी शिफ्ट में एग्जाम सरल हुआ था, इजी आया था, और किसी के में हार्ड एग्जाम आया हुआ था। जिन भाइयों का एग्जाम हार्ड आया है जिस शिफ्ट में, वो बंदे क्या करेंगे? और जिनका एग्जाम सरल आया है वे खुश रह रहे हैं। तो दोस्तों मेहनत तो सभी करते हैं, और जो बंदे एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं इसी कारण रहते हैं वो बंदे। जिनका एग्जाम हार्ड आया है वो बंदे पीछे रह जाते हैं, और जिनका एग्जाम सरल आया है वो बंदे आगे निकल जाते हैं। तो ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ होती है हर एग्जाम के अंदर। दोस्तों मैं तो सरकार से यही विनती करूंगा कि इस भर्ती का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए और 100% होना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो। बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, जब वो बंदे एक दो नंबर से रह जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है मेरी तो, कि इस भर्ती का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे और इस भर्ती का नॉर्मलाइजेशन करवा के ही छोड़ेंगे हम। मेरे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से प्रार्थना है और सचिन पायलट जी से भी आशा है कि इस भर्ती का नॉर्मलाइजेशन करवाएं और हमारे सब भाइयों की पुकार को सुने। आपसे मेरी एक ही विनती है कि इस भर्ती का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो। ठीक है सर जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस भर्ती का जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइजेशन करें, जैसे बच्चों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो। ओके, थैंक यू सर। ओके बाय।